3 के अंदर मैंने आज फ्लैश किया हूं हैवक ओएस वर्जन 4.5। तो ये जो ओएस है इसके अंदर हमें काफी ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है, और दोस्तों बात करूं कि ये जो अपडेट है एकदम क्लीन एंड नीट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं और यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, और ये एंड्रॉइड वेस्टेड रोम है। और स्पेशल थैंक देना चाहते हैं मैजिस्क अवी को, जिन्होंने ये रोम को पोर्ट किया है, इस रोम का मेंटेनर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैवक ओएस। हैवक ओएस वर्जन 4.5 इसके अंदर ये कतई जहर जैसा रन कर रहा है। मैंने इसके सारे फीचर्स वर्क कर लिया हूँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों को MI A3 की कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Xiaomi कैमरा देखने को मिल जाता है। भाई तबाही है, देखो Xiaomi के सारे फीचर्स आप इसके अंदर, जो भी MI A3 के अंदर जो कैमरा आपको मिलता था, इसके अंदर सेम टू सेम वही कैमरा पोर्ट किया गया है। आपको स्टॉक रूम का कैमरा देखने को मिलता है, अच्छी बात है। यहाँ पर अगर कॉलिंग करने जाओगे तो Jio का कॉलिंग बढ़िया से कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई से सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ मैं ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हूँ सब कुछ। साथ ही साथ आपको सेटिंग्स के अंदर जाके मैं अगर दिखाऊंगा, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आपको डिटेल्स आपको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाईफाई कॉलिंग भी आपको अवेलेबल है इस रोम के अंदर, और ये सारे फीचर्स आपको, ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग भी है, सिलेक्ट डिटेल आप सारे कर सकते हो। इसके अंदर 4G सेटअप है, जो भी डिटेल्स है, आपको कनेक्टिविटी के लिए कोई इशू नहीं होगा, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन सेंटर के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, लॉक स्क्रीन एंड नेविगेशन, जेस्चर्स, नोटिफिकेशन, बैटरी सेवर, मीडिया डिटेल्स, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। आप जब चेकआउट करोगे तो सारे मिल जाएगा। अगर मैं रिकमेंडेड करूंगा इसको फ्लैश करने के लिए, तो आप कर सकते हो, अगर आप एक इंस्टॉल वगैरह कर रखे हो पहले कभी रोम, कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको कमेंट करके जरूर बताना, इस रोम का फ्लैश करके भी बता दूंगा। सिंपल है, मैंने पहले भी कई सारे रोम फ्लैश किया हूँ एंड्रॉइड 11 के ऊपर। ध्यान रखना, अगर आप लोग एंड्रॉइड 10 में हो, ये रोम कभी फ्लैश मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके फोन के अंदर। मैं बात करूं कि फोन के अंदर हमें अबाउट सेक्शन में जाके अगर एक बार दिखा देते हैं, एंड्रॉइड वर्सन जो है एंड्रॉइड 11 पे ये रन करता है, ये आपको मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग से बताया देता है। यहाँ देखो हैवक ओएस जो है आपको 4.5 है, और जो 5 मई का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है। अभी तक कहीं भी मेरे को लैग नहीं दिखा, ना कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को मिला है। इस रोम के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 का, बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आप स्टाइल्स एंड वॉलपेपर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो, साथ ही साथ स्टाइल्स में आपको डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। क्लॉक सेटअप भी आप कर सकते हो, Xiaomi का क्लॉक जैसे आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे। और मेरे हिसाब से काफ़ी बड़े एंड्रॉइड 11 में अगर हैवक ओएस यूज करते हैं अच्छा रहता है। इसका जो अभी तक का कोई मुझे बग नहीं दिखा, ना कोई दिक्कत है। कैमरा, डायलर वगैरह सब कुछ बढ़िया से रन कर जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे सारे गूगल एप्लीकेशन बहुत बढ़िया ओपन हो जाता है। तो विथ गूगल एप्लीकेशन आप फ्लैश करते हो तो इसके अंदर आपको देखो ऑफिशियली कैमरा मिल जाता है, जो कि MI A3 का, साथ ही साथ FM रेडियो मिल जाता है, और सेटिंग्स और गूगल ऐप्स का जो है मिनिमलाइजेशन वो मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स कुछ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बारीकी से डिटेल्स कस्टम रोम के अंदर देने में बहुत टाइम ले जाएगा, क्योंकि फीचर्स काफ़ी भरे हुए हैं। तो फिलहाल जो है यही था एक शॉर्ट टर्म रिव्यू, अगर काफ़ी बढ़िया लगा, यहाँ पे सारे सेटअप वगैरह रखे हुए हैं, आप और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर जब कॉन्फ़िगरेशन सेंटर पे जाओगे तो भाई साहब यहाँ पर आप चेक करोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो मिसलेनियस फीचर्स के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पर गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, ये गेमिंग मोड ऑन कर देते हो तो आप गेम करोगे तो जो भी गेमिंग करोगे तो उसके साथ आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले। जैसे आप टैप करते हो यहाँ पे देखिए कितने सारे डिटेल्स वगैरह आपको आ जाता है। MI A3 मानो कुछ नया ही हो गया है, बहुत टाइम के बाद हम इसको फुल टाइम मेरा यूज होगा एक कस्टम रोम का, जो भी रोम का नया अपडेट आएगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बस यही था एक छोटा सा वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करिए। मैं भी लोगों ने बड़े साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।